तो ट्रेडिंग में आपको अगर ट्रेडिंग में सही एंट्री अगर करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लेकिन हम लोग सही एंट्री नहीं करते, जहाँ से एंट्री मारते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स होता है। तो सही एंट्री के लिए मैं आज एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप यूज करके अपने डेली बेसिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं इन स्टॉक मार्केट। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्टॉक ट्रेडिंग करें, चाहे किसी भी मार्केट में आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए हम लोग दो इंडिकेटर का यूज करेंगे। पहला है आरएसआई, सेटिंग चेंज करेंगे आरएसआई 60-40, और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट जब भी 60 क्रॉस करेगा तब हम लोग को एंट्री बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 क्रॉस के इस पॉइंट पर, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:12 है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड 1:10, यानी 1 रुपये लगा के आप 12 रुपये कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिटेबल है। ये स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए दो इंडिकेटर आरएसआई जिसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं। आरएसआई जो होता है मार्केट के स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट में कितनी तेजी आने वाली है। जब भी मार्केट 60 क्रॉस करता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं विथ एक कैंडल का स्टॉप लॉस। प्रॉफिट आप खुद सामने आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो 21/7 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है ये तो पहले से ही हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये हम लोग को बताता है जब भी मार्केट इस लाइन से ऊपर रहता है तो हम लोग को तब तक मार्केट में बने रहना होता है। जब मार्केट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्ट कर देंगे। जब ये ब्रेक करेगा 60 पर बाई, और तब तक नहीं निकलना है जब 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर एंट्री हो गया 60 क्रॉस किया, बाई करेंगे। एग्जिस्ट कब करेंगे, जब 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे कोई कैंडल बनाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। टाइम फ्रेम क्या रहेगा इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए, टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। तो आप देख सकते हैं 60 पर बाई, 60 क्रॉस किया, बाई किया, एक कैंडल का स्टॉप लॉस था। प्रॉफिट आप खुद देख सकते हैं 1:12 का था। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके।